आ गई। ये मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करने का प्रयास करो। मन की खटपट जिस दिन मिटेगी, झटपट परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, मेरे गोविंद सामने कड़े दिखाई देंगे। इस मन की खटपट को मिटाने के लिए जंगल में समाधान नहीं होगा पिताजी, इसके लिए एक ही काज करना चाहिए। हमारे संत जन कहते हैं, भक्तों के बीच में जाइए, संतों के पास में जाइए, ब्राह्मणों के साथ में जाइए, जो भजन पूजन करते हैं, सत्संग करते हैं। भागवत में लिखा है कि नामे बसामि तीर्थानि न देवा मर्च शिलामय ते पुनंतर कालेन दर्शनार्थ एव साधनम। जितना बन सके सत्संग करें। भागवत में लिखा है तीर्थों में भी जीवन भर वास करने से इतना जल्दी लाभ नहीं होता, देव मूर्ति में पूजा करने से भी इतना जल्दी लाभ नहीं होगा। लाभ तो होगा, यज्ञ से भी लाभ है, पूजा से भी लाभ है, लेकिन तीर्थवास से भी लाभ है, गंगा स्नान से भी लाभ है, लेकिन ते पुनंतरु कालेन समय लग सकता है। इसमें लाभ तो निश्चित है, ये पवित्र तो हमें करेंगे, लेकिन मालूम नहीं कितना समय लग जाए। पवित्र तो बनाएंगे, लेकिन सत्संग तो जीवन को क्षण भंगर क्षण भर में बदल देता है। क्षण भर में हमारे सुखदेव स्वामी पूज्य सुखदेव जी कहते हैं कि तुलयाम लभे नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। गोसाई जी ने कहा है रामचरित्र में कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलन ताई सकल मिली जो सुख लबू सत्संग। तो बोले इसके लिए करें क्या, शास्त्र तो बार बार कह रहे हैं, सब एक ही की तरफ ओर की निशारा कर रहे हैं। भागवत में भी जाओ चाहे रामायण में देखो, सबका केंद्रीभूत एक ही है। तो करें क्या, तो संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी।